दिन से बालाजी का पर्चा फेल हो जाएगा, उस दिन से दास भी गद्दी पे बैठना छोड़ देगा, ये मेरा प्रण है एवं वचन है। नियम करोगे क्या है तो आप लोग लवकुश नगर पधारे 10:30 बजे से दिन शनिवार एवं मंगलवार को दिव्य दरबार लगता है, वहाँ पर भी आदेश के ऊपर ही काम होता है। आप सोचे कि आपका पर्चा पहली बार में ही बन जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं आपका हूँ, मैं आपसे प्राइवेट 1 मिनट नहीं 1000 मिनट मिल लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कहेंगे पर्चा के विषय में मैं आपसे मिल लू मैं आपसे बात भी नहीं करूंगा। एवं अगर आप चाहते हैं कि हमारा पर्चा बने और बालाजी के चरणों में अर्जी लगाना चाहते हैं, तो आप मंगल एवं शनिवार को 2 से 3 मंगलवार लगातार जाते रहें। ऐसा हो नहीं सकता है कि डले रहो दरबार में ढका धनी के खाओ और एक दिन ऐसा आएगा कि आप धनी हो जाओ। बोलिए बालाजी सरकार की जय, जमनेश्वर धाम सरकार की जय। आपके ऊपर कृपा नहीं करेंगे या आपका पर्चा नहीं बनेगा। जरूरी नहीं है कि मैं इतने लोगों के सामने बैठा हूं तो मैं सबके पर्चा बना करके जाऊंगा, कभी नहीं। ये तो मात्र इतना था कि हमारे पास कल फोन पहुंच गया था, आज भी फोन पहुंच गया था कि महाराज जी चाहे 5 मिनट के लिए लेकर आपका घर पे दरबार लगना चाहिए। मैंने कहा जरूर स्वीकार है मुझे, और बालाजी ने चाहा तो मैं पर्चा बना के जाऊंगा। इसलिए मेरा काम था, मैंने अपना किया। एवं आप लोग यदि चाहते हैं कि ब्रह्मेश्वर धाम में अर्जी लगे तो आप लोग पहुंचे वहां 10:30 बजे से दिन शनिवार एवं मंगलवार को दिव्य दरबार लगता है। 9 से 12 3 से 6 प्रतिदिन बैठता हूँ। अगर आदेश आएगा तो उसमें पर्चा बनेगा, नहीं आदेश आएगा तो नहीं बनेगा। एवं 10:30 से लेकर के दिन मंगलवार एवं शनिवार को हर मंगलवार शनिवार को दिव्य दरबार में पर्चे बनाए जाते हैं। बोलो बालाजी सरकार समाधि वाले बाबा की जय हो, महाराज की जय हो। आपको ये मेरी बात ठीक। एवं घर पर प्रत्यक्ष दीपक जलाना है, प्रतिदिन घी का प्रतिदिन दीपक जलाएं, एक लाल कपड़ा एक नारियल में अर्जी लगाएं, बालाजी का नाम लें, समाधि वाले बाबा का नाम लें एवं श्री हाथीवान सरकार का नाम लेकर के उस प्रत्यक्ष दीपक को रख देना है। आज तक ना कभी ऐसा हुआ है, ना हुआ था ना होगा कि कभी ये पर्चा मैं नहीं, ये पर्चा जो देने वाले हैं, पर्चा जो बनाने वाले हैं, जो आदेश देते हैं, ऊपर वाला ही है केवल। ठीक, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ब्रह्मेश्वर धाम का पर्चा एक भी फेल हो गया हो। और जिस दिन से बालाजी का पर्चा फेल हो जाएगा, उस दिन से दास भी गद्दी पे बैठना छोड़ देगा, ये मेरा प्रण है एवं वचन है। नियम करोगे बालाजी राजा बना देंगे, और अगर नियम नहीं करोगे तो मेरे बकबकाने से और तुम्हारे सुनने से कोई फायदा नहीं है। जय श्री राम। हनुमान जी महाराज सबके ऊपर कृपा करें, आशीर्वाद।